राइट पीपल, तो हमारा बन गया एकदम से प्लान जैसलमेर जाने का, और हम जा रहे हैं अब जैसलमेर। और सुबह जैसे मैंने रील देखी थी, रील रात को भेजी थी इसको, तो ये बोल रहा है कि यार चले जैसलमेर। भाई चलो ठीक है चले, मात्र 2 घंटे के अंदर रेडी हुए हैं, और ऐसे कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन अब निकल रहे हैं फटाफट यहाँ से। और यहाँ सबसे पहले आर्मी कैंटीन जाएंगे, वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है, जैसे टी शर्ट हुई और आर्मी कैप वैप वगैरह धूप के लिए, और फिर हम जाएंगे सीधे जैसलमेर। जैसलमेर वाला रोड पकड़ेंगे हम, अजमेर वाला, उदयपुर वाला, ठीक है, यहाँ से जयपुर, जयपुर से फिर जैसलमेर। तो निकलते हैं भाई, ठीक है। तो यार आज है 6 अक्टूबर और बज रहे हैं 10:31, ठीक है, और हम जा रहे हैं अब जैसलमेर के लिए। और हम खड़े हैं यार हमारे घर के सामने, थोड़ा सा मतलब ऐसा अजीब सा लग रहा है क्योंकि फैमिली मेम्बर्स भी है साथ में। तो भाई भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय श्री राम। निकल दिए भाई हम जैसलमेर के लिए। भाई कितने दिनों बाद जा रहे हैं यार राइड पे आज हम। हाँ मतलब काफ़ी दिनों से प्लान बन रहा था कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे प्लान को, और आज निकल रहे हैं हम काफ़ी दिनों बाद। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हमको। तो अब यहाँ से हम सबसे पहले फ्यूल भरवाएंगे अपनी बाइक में, क्योंकि भाई विदाउट फ्यूल वी कैन नॉट गो एनीवेयर, वी कैन नॉट राइड। तो यार सबसे पहले अपन भरवाएंगे फ्यूल, और फ्यूल भरवा कर अपन जाएंगे आर्मी की कैंटीन, और कैंटीन जाके हमको टी शर्ट लेनी है। भरवा रहे हम पेट्रोल, और बाकी का जो पेट्रोल है हमारी जो बोतल है वो भरवाएंगे नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे, क्योंकि मेरे को अजीब सा लग रहा है यार, क्योंकि यार पेट्रोल कैन तो लेके नहीं आई, और हमारी कोई तैयारी भी नहीं थी, ना हमने लद्दाख करियर लगाया, ना कोई शैडल बैग, ना कोई टॉप बॉक्स लगाया, और सीधे मुँह उठा के चल दी सुबह प्लान बना। इस चक्कर में थोड़ा बहुत अजीब सा लगेगा यार अगर हम पेप्सी की बोतल में यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल, थोड़ा सीटी सी है यार ये। हमने ले लिया यहाँ से सामान, ये अपने न्यू शेखावत मिलिट्री स्टोर है, अपने कमल सिंह शेखावत जी नाम इनका, और काफ़ी अच्छे फायदे रेट पे देते हैं अपने जो आर्मी की कैंटीन वैंटीन वगैरह है। और ये अपने सामने इटाराना पल्टन है जो कि आर्मी बेस कैंप है, और यहाँ से अपन निकल दिए यार। तो यार अपन को 13 घंटा 26 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जो कि 672 किलोमीटर है, और अब देखते हैं हम इसको कितनी देर में कवर कर पाते हैं। और वैसे हमारा प्लान तो यही रहेगा कि नॉन स्टॉप राइड करें, क्योंकि यार 11 तारीख को एग्ज़ाम है, और 11 तारीख से पहले पहले हमको वापस घर भी आना है, और अभी देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं रहता। हम रूट ये लेंगे यार, अपने सीकर वाला रूट लेंगे, क्योंकि एक रूट झुंझुनू वाला भी है, और झुंझुनू अपने नारनौल से होते हुए झुंझुनू वाला रोड, लेकिन हम लेंगे सीकर वाला। मेरे घर सामने बच्चे हैं, हम बच्चों को हाय हाय करेंगे। यार बच्चों ने हाय हाय नहीं करी, हाय ना बाय बाय करी, ना हाय हाय करी, बताओ यार, बहुत शर्मीले बच्चे हैं शर्मीले। और इनको देखो भाई, ये तो ऐसे ही चलती है भाई यहाँ। एक तो भाई रोड ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यार ये। तो यार ये है अपना अलवर बाईपास, और यहाँ से हम सीधे चलेंगे तो जयपुर की तरफ चलेंगे, और अपन राइट की तरफ लेंगे तो अपन खाटू और शिखर की तरफ चलेंगे, तो अपन को राइट लेना है इस कट से। ये वही रोड है अपना जो खाटू श्याम जी के जाते हैं ना वाला रोड है, इस पर मैं पहले भी आ चुका एक बार, बहुत प्यारा रोड है यार ये, लेकिन जब बारिश आती है ना बहुत गंदा हाल होता है यहाँ पर यार। ओवरटेक करने में और काफ़ी प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। ओहो हो, इसको देखो क्या काटी है भाई इसने गाड़ी, अगर हम नहीं ले देना साइड में हमारा राम नाम सत्य था इस बार। और खाटू श्याम जी मात्र 30 किलोमीटर दूर है, और जयपुर 73 किलोमीटर, क्योंकि हम आउटर से जयपुर में नहीं, अब तक तो जयपुर पहुँच ही जाते, रिंगस 12 किलोमीटर है। ओहो यार हमारे यहाँ राजस्थान में ना ओनली बाजरा ज़्यादा होता है, ये देखो ये बाजरा है या फिर ज्वार है ये। तो यार अब हम एंट्री ले चुके हैं श्री माधोपुर, जो कि एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है यार ये, और
मेरे को तो कुछ खास सा नहीं लग रहा है यार ये श्री माधोपुर, सीरियसली मतलब इतना चहल पहल भी नहीं है, छोटा सा ही मार्केट था पीछे गया जो, और ये नहीं यार श्री माधोपुर तो नहीं हो सकता भाई, ये ऐसा थोड़ी होता है श्री माधोपुर, इधर से 2 किलोमीटर दिखा रखा है। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट, ये श्री चमत्कारेश्वर महादेव, जय हो प्रभु हर हर महादेव भोलेनाथ सबके साथ। ये तो गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है ना, हाँ शायद उनकी मेन ब्रांच है सीकर वाली गुरु कृपा की। और पता है यार बाइक इतनी तेज चल रही है, जैसे मैंने हाथ उठाया ना मेरा हाथ एकदम पीछे गया था, और इतना गंदा झटका लगा है ना, मतलब दर्द हो रहा है यार अभी तक भाई। क्या रोड है यार मक्खन जैसी, मजा आ गया यार इस रोड पे। ओह भाई साहब, अगर NS होती ना अपने पास और भी मजा आते हैं। NS को यार मैं इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि जो उसकी नंबर प्लेट है ना RTO वाली वो नहीं है, अगर हम उसको लेके जाते तो जगह जगह चालान कटते तो क्या फ़ायदा यार उस चीज़ का। और सीकर यहाँ से 43 किलोमीटर, हिसार 250, बीकानेर 257। ओहो काफ़ी दिनों बाद निकले आज राइड पर, और सही बताऊँ ना एकदम मज़े आ रहे हैं यार, क्या मज़े आ रहे हैं। अगर मौसम थोड़ा और साफ होता ना, एकदम प्यारा मौसम होता, थोड़ी थोड़ी बारिश वाला सा, तो और भी मज़ा आता है यार, या फिर थोड़ी सी सर्दी हो जाती तो। बाकी एकदम बहुत प्यारा सीन है, चारों तरफ नज़ारा देखने को ही बन रहा है यार। यहाँ पे बहुत देख लिया यार हम लोगों ने, पहाड़ देख लिए, हर एक चीज़ देखी, ग्रीनरी देख ली, पहाड़ देखे, स्नो देखी। अब देखते हैं हम हमारे राजस्थान को कि हमारा राजस्थान कितना प्यारा है, और इसकी शुरुआत करते हैं जैसलमेर से। जैसलमेर में यार हमको भी पता नहीं हम कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, पर जैसलमेर फोर्ट तो है ही है। और उसके बाद हम क्या है नाइट में ना उधर वो होती है कैंपिंग्स होती है, और कैंपिंग भी होती है एकदम रेत के टीलों पर, तो यार वो करने का बहुत प्लान है, बहुत मन है यार, बहुत ज़्यादा मन है एक्सट्रीम वाला, तो शायद वो भी कर ले हम। तो यार आज अपनी बाइक की टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं कितने पे जाती है हाईएस्ट। मैंने अभी तक इसकी कोई स्पीड चेक नहीं करी, और मैंने पूरा एक्सीलेट कर दिया है बाइक को इस टाइम पे, और ये चल रही है अपनी 100 से प्लस, लगभग 110, और मुझे नहीं लगता 110 से भी आगे जाएगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको 110 चलते चलते। नहीं नहीं थोड़ी थोड़ी जा रही है। ओ भैया मजे आ गए यार, पूरा एक्सीलेट करके बाइक को, पर टॉप स्पीड इसकी बहुत कम है, इसलिए मेरे को बहुत ज़्यादा निराश किया है मेरी बाइक ने। मैं इसका 125 की सोच रहा था कि चली जाएगी ये, क्योंकि मेरा दोस्त गौरव है उसने इसकी 125 टेस्ट की थी, लेकिन यार ये 120 तक भी नहीं जा रही यार, या तो यार ये चढ़ाई है रोड पर, मेरे को लग भी ऐसा ही रहा है इस वजह से। तो यार चलते चलते सुबह से चल रहे हैं हम, और चलते चलते हमको भूख लग गई थोड़ी बहुत, तो इधर नाश्ता करने के लिए रुके थे। और ये अपना है सीकर से हम बहुत ज़्यादा आ गए हैं इस टाइम पे, और लगभग हमसे जी हाँ, और यहाँ से लगभग 176 किलोमीटर नागौर है, और लगता है यार आज नहीं पहुँच पाएंगे हम जैसलमेर। प्लान भी एकदम से बना यार हमारा, अगर नहीं पहुँच पाए जैसलमेर तो भाई हमको रुकना पड़ेगा कहीं पे। तो हम सोच भी रहे थे कि यार रुक जाएं, लेकिन नाइट में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है कि उस रोड पर जैसलमेर वाले पे, क्योंकि मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ वहाँ पर। अपने जो पोखरण वाला रोड है ना भाई, क्या मक्खन रोड है, बहुत प्यारा रोड है, और उधर नाइट में ड्राइव करूँगा ना, मतलब ड्राइव करेंगे हम लोग तो एकदम ठंडी ठंडी चिल्ड हवा, एकदम सर्दियों वाला मौसम वो एहसास होता है ना, वो फील होगा हम लोगों का। और यार हम जिस रेस्टोरेंट में रुके हैं ना, और ये रेस्टोरेंट ना पूरी तरीके से राजस्थानी वाली वाइब दे रहा है, ये देखो पूरी राजस्थान वाली वाइब दे रहा है एकदम बढ़िया, देखो पूरी तरीके से राजस्थान वाली वाइब। और मैंने इसको समझाया था कि यार ये ट्राउज़र मत ले,
कोबरा कमांडो के, उसने कोबरा कमांडो के ट्राउजर ले लिया और देखो शूज बोला राइडिंग वाले सूट डाल ले भाई, लेकिन नहीं राइडिंग वाले शूज भी नहीं डाले इसने। मेरे को बहुत ऐसा लग रहा है छपरी वाला यार, ये सीरियसली पूरा छपरी लग रहा है। इसको पैसे नहीं बचाने, पैसे क्या बचाने यार, चल रहे हैं तो पैसे तो खर्च होंगे यार थोड़े बहुत। और प्लान भी महाराज जी ने सुबह बनाया था, सुबह सात बजे उठा, बोल रहा है ऐसी रील मत भेजा कर मेरे जाने की मन में। मैंने कहा जाके दिखा दे, चल भाई चलते हैं। बोल रहा ट्रेन से, मैंने कहा ट्रेन से नहीं चलेंगे तो बाइक से, वही मज़ा आता है ट्रेन से नहीं भाई। अब देख तू बाइक को कहीं पे भी रोक के खा सकता है, मस्त तरीके से पी सकता है। अब ट्रेन और बस में वो इंजॉयमेंट नहीं हो जाए, क्योंकि बस भी लगभग 100 या 150 किलोमीटर बाद रुकती है। ऑल राइट पीपल, तो हमने इस रेस्टोरेंट में खाना खाया है, ममता रेस्टोरेंट। खाना तो नहीं यार, बस पनीर के पकौड़े और प्याज के पकौड़े मंगवाए थे, बिल्कुल भी सही नहीं थे यार, हमको 1% पसंद नहीं आए। और अब हम यहाँ से सीधे चलेंगे, और यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा नागौर। लगभग हम यहाँ से 3 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे, गूगल मैप 3 घंटे दिखा रहा है। और अभी टोटल हमारे को पहुँचने में हमारी लास्ट स्टॉप है वो है हमारा 488 किलोमीटर दूर है, जिसमें 9.5 घंटे बता रहा है गूगल। और देखते हैं यार हम इसको कितनी देर में कवर कर पाते हैं, वैसे 9.5 घंटे दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट 11 घंटे के अंदर कवर तो कर ही लेगा यार इसको, अगर हम कंटिन्यू चलते रहे तो। यार सही बताऊँ ना, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है इस रोड बाइक चलाने में, और जो वो होता है ना कि यार सफ़र का मज़ा ज़्यादा होता है मंजिल से, वो ही चीज़ है यार। सफ़र में जब तक आदमी रहता है ना तब तक मज़ा आता है उसको, एक बार मंजिल पे पहुंचने के बाद कोई मज़ा नहीं है यार। यार हिमालय देखे हैं, बहुत सारे पहाड़ देखे हैं, और ग्लेशियर देख लिए, हरियाली देख ली, और बर्फ़ के पहाड़ देख लिए, बहुत कुछ देखा है, बस नहीं देखा तो वो था अपना राजस्थान। अब हम राजस्थान भी देख रहे हैं हमारा कैसा है कैसा नहीं। सीरीज स्टार्ट कर दी हमने, सबसे पहले जैसलमेर से स्टार्ट कर दिया, और बहुत जल्द हम काफ़ी डिस्ट्रिक्ट कवर करने वाले हैं राजस्थान के। पर हमारे बाल आ रहे हैं अजीब से, और यार हमको यहाँ एक लोकेशन दिखी थी, ये नागौर से पहले है, मतलब नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है ये लोकेशन। ये तो पता नहीं क्या है, शायद हमको ये ना आरे पानी जो नमक वमक वगैरह होता है ना, शायद वो बन रहा है यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी लोकेशन है ये, देखो वो देखो यार, सूर्य भगवान देखो यार कितने प्यारे लग रहे हैं भाई मेरा तो दिल आ गया इस जगह पर दिल आ गया यार। ये शायद नमक वमक की झील है, इसका नाम तो पता नहीं है। और इधर एक सबसे बड़ा GSS है, और यहीं से दिख रहा है काफ़ी बड़ा यार, ये किलोमीटरों में फैला हुआ है, यहाँ पर एक ग्रिड सब स्टेशन है। और बाकी यार ये व्यू देखो यार कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। शाम हो गई देखो, अभी तक हम नागौर भी नहीं पहुँचे, मैं तो आज पूरी नाइट ही ड्राइव करूँगा भाई, इसको बोल दिया मैंने। ये अभी से रो रहा है कि नहीं भाई नागौर में स्टे करेंगे और सुबह निकलेंगे, 4 बजे निकल लेना सुबह चाहे। मैंने कहा नहीं भाई अभी ही चलेंगे, अभी ही नाइट में, इसको नाइट ड्राइव का मज़ा दिलाऊंगा मैं आज। यार इधर ना इधर वो हो रहा था सनसेट, इतना प्यारा लग रहा था भाई, कसम से बहुत प्यारी चीज़ थी यहाँ पर यार, वो मेरे को तो प्यार से हो गया यार। और ये देखो यार कितनी बड़ी झील है यार, ये ख़त्म नहीं हो रही, हम 3-4 किलोमीटर चल दिए हैं उसके बावजूद भी आ रही है, और दूर दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर, दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई गांव नहीं है, सुनसान है पूरा, कई किलोमीटर से सुनसान आ रहा है ये पूरा रास्ता। और हमारे जो पेट्रोल है ना वो भी लो हो चुका है, और पेट्रोल पम्प भी नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं है यहाँ पर। चलो तो देखते हैं भाई, अब सबसे हमारा पहला तेरा सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि पेट्रोल डलवाएं भाई, बिना पेट्रोल के कहीं नहीं जा पाएंगे। और भाई यहाँ तो ना तो हमारे पास कोई टेंट है, ना कोई कैंपिंग का सामान है, ना कुछ खाने पीने का, यहाँ दूर दूर तक तो कुछ भी नहीं है, ना रेस्टोरेंट ना कोई ढाबा, एक कुछ खंडर खंडर से है ये देखो, कुछ है ही नहीं बिल्कुल ही, एक मंदिर है, पड़ा है माता जी का मंदिर है ये एक। बाकी यार मज़ा बहुत आ रहा है हम लोगों को, हिंदी फिल्में के गाने सुन रहे हैं यार, 90s के हिट, बहुत प्यारी जगह है यार। और ये नमक की झील है यार,
हाँ सही बोल रहा था नीरज, नमक नमक की झील है, नमक हाँ नमक की झील है यार ये, सही बोल रहा था तो नीरज, हाँ नमक बन रहा है देखो यार यहाँ पर कितना प्यारा यार, पर बहुत मजे आ रहे हैं यार हमको तो। नागौर है दोस्त ये नागौर? नहीं झाईले। अच्छा नागौर कितनी दूर इधर से? नागौर इधर 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर दूर है तो भाई यार अपने ट्रैवल विद फैमिली के दोस्तों को अपना एक दोस्त मिला है, भाई का नाम क्या है भाई अपना? आदिल। आदिल नाम है, अच्छा यहीं रहने वाले हो? हाँ। अरे सही है भाई, हम नागौर जा रहे थे यार, जाना तो हमको जैसलमेर था पर नागौर स्टे करना था। ठीक है दोस्त आओगे आप इसमें? आ रहे हो आ रहे हो, फेस दिख जाएगा एडिटिंग में दिख जाएगा, डोंट वरी। यार नागौर में हमारा भाई बहुत ही खतरनाक स्वागत कर रहे हैं, यहाँ जो जिस तरीके से होटल है ना भाई, जो प्राइस है होटलों की वो है ही नहीं, होटलों की वो है ही नहीं, वो दिख ही नहीं दिए। 5,000 रुपये मैंने कहा यार ठीक है रूम लग्जरी होगा देख के आते हैं कैसा है, पर गए 1500 रुपये वाला रूम भी नहीं था भाई, वो सही बताऊँ तो मैं, पर हमारे उधर ना इतने प्यारे प्यारे रूम मिल जाते हैं 800-800 रुपये में, मात्र 800 रुपये में लग्जरी वाले रूम। तो यहाँ पर इतनी वो पता नहीं क्या समझते हैं लोग बाग यार, बताओ भाई अपना अलवर ही बेस्ट यार हमारा तो, देखो हर एक चीज़ मिल जाती है अपनी, इजीली मिल जाती है और बहुत सस्ती चीज़ मिलती है हर एक चीज़, कुछ भी ले लो आप। तो यार अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार सीधे अब जैसलमेर की तरफ ही निकलते हैं भाई, है ना, और अब यहाँ पर ना क्या करेंगे पता है, कोई ढाबा देखेंगे उधर, कोई रेस्ट करेंगे 1-2 घंटे और फिर करेंगे ड्राइव हम, और यही रास्ता है हमारा, कट हो रहा है एकदम अंधेरा भाई, क्या अंधेरा है यार बताओ, पूरा गुफा अंधेरा, काश रोड सही होए, और तो कुछ नहीं चाहिए भोलेनाथ। तो भाई भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, और हम चल दिए अब रिस्क लेकर। तो यार हम रुके थे अभी नागौर, नागौर थोड़ी सी आ गए हम, है ना, उधर कोई होटल और खाने वाने का कुछ नहीं मिला हमको, एक मस्त सा ढाबा मिला है। ठीक है नीरज कितने रुपए की थाली है ये? 120 की थाली, और भाई पूरी प्योर मारवाड़ी जो थाली होती है ना वो थाली है यहाँ पर, और मैं इसको काफ़ी दिनों बाद खा रहा हूँ, लगभग 1 साल बाद खा रहा हूँ इसको, काफ़ी टेस्टी होती है क्योंकि यहाँ की जो हरी मिर्च होती है ना वो घी में छोंक के बनाई जाती है, वो बहुत प्यारी लगती है मेरे को। 120 रुपये में बहुत सारे आइटम हैं, बहुत सारे, बहुत प्यारी वो है, और लोकेशन भी काफ़ी अच्छी मिल गई हमको यहाँ पर, नीरज तो खाने भी लग गया। तो यार अपन भी स्टार्ट करते हैं खाना और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे। हमने यहाँ पर खाना वाना खा लिया और आधे घंटे हमने हमारी कमर करी एकदम सीधी, और ये बोल रहा है कि सुबह 4 बजे से पहले जैसलमेर पहुँचा देना, और यहाँ से जैसलमेर रहा है लगभग 313 किलोमीटर है और 6 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल। अब देखते हैं कि कितने टाइम में पहुँच पाते हैं, कितने टाइम में नहीं पहुँच पाते यहाँ से। हाँ तो गाइज अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोधपुर, तो देखो हालात कैसी हो चुकी है, हम लोग सुबह से चल रहे हैं और हम बहुत ही कम जगह रुके हुए हैं, हम लोगों ने बहुत कम स्टॉप लिए, तो देखो इसको, इसने अभी अपना चेंज किया है पजामा, हम लोग कैंटीन से लेके जो सामान लेके आए थे हम उसको यूज़ कर रहे हैं अभी। और गाइज अभी यहाँ पे ना इतनी ठंड पड़ रही है, जितनी गर्मी यहाँ पे दिन में पड़ती है ना उससे दुगनी तो यहाँ पे ठंड पड़ती है, रेत बड़ी ठंडी होती है यहाँ पे दिखाऊंगा। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी खासियत यह है कि गाइस यहाँ पे ना आपको 10-10 किलोमीटर के गैप में ना बहुत कम घर मिलते हैं, 10-10 किलोमीटर के गैप में आपको घर मिलेंगे, पूरा सुनसान रोड है। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है ना हमारे राजस्थान की कि यहाँ पे भरोसेमंद लोग होते हैं, लूटपाट बहुत कम होती है। लाइक जैसे अगर आप जाओगे दिल्ली गुड़गांव साइड, अगर उससे आगे कहीं भी जाओगे तो आपको रुकने में बड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन यहाँ पे लोग ना अगर आप बड़ी दूर से चलकर आए हो और अनजान एरिया है तो आप यहाँ किसी पे भी भरोसा करके रुक सकते हो, आपकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे, आपको एक मेहमान के जैसे ट्रीट करेंगे, तो ये बहुत
बहुत अच्छी चीज़ है हमारे राजस्थान के अंदर कि इंसान को इंसानियत के नज़रिए से देखा जाता है, ना कि उसको दौलत के नज़रिए से।